आते हैं 2000 के अंदर में सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड डिफरेंट वैरायटीज होने वाली है, लेकिन इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि सारे जूते ही इतने डेवलप्ड, इतने वेल बिल्ड एंड इतने स्टाइलिश है ना कि ये वीडियो देखकर आपको मजा आने वाला है। पहला जो हमारा ब्रांड है वो है सीधा नीमंस, बहुत ही ज्यादा अलग स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा कार्डबोर्ड का बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, नीमंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और प्राइसिंग यहाँ पर लिखी हुई है 3999, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कितने में हमने लिया और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीमंस का आपको एक कैरिंग झोला देखने को मिल जाएगा काला काला, इसके ऊपर आपको नीमंस की ब्रांडिंग मिल जाएगी और इस भेड़ का नाम है भोला क्योंकि ये छपा है झोला में। बॉक्स में वाइज स्नीकर बहुत सारी प्रॉमिसेस कर रही है, जैसे अगर डब्बे को साइड करके फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें ना, एक्चुअल में ऑलरेडी इसमें कागज भरा हुआ है लेकिन जूता हल्का फील हो रहा है। फटाफट पहले कागज को निकालते हैं, यस लाइट वेट जूता है। पूरी बॉडी आपको इसमें मेश की देखने को मिल जाएगी, बहुत हाई क्वालिटी इसमें मेश यूज हुआ है। साथ ही सबसे बेस्ट बात मुझे क्या लगी, इसका कलर पैलेट क्रीम ब्राउन टैन, ये सारे खूबसूरत कलर्स यूज हुए हैं जो कि यूजुअली आपको ज़ारा वारा जैसे बड़े बड़े ब्रांड में देखने को मिल जाएंगे। मल्टीपल आपको लेदर पैचेस देखने को मिल जाएंगे, जो भी मटेरियल है मान लो पीयू होगा या लेदर होगा जो भी ब्रांड तो हमें बताती नहीं है, लेकिन टच एंड फील की बात करें ना डेफिनेटली प्रीमियम लगता है। पैक में आपको एक कूल टैप मिल जाएगा, पैक में आपको नीमंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, व्हाइट कलर का लेस मिलता है, पूरा मेश का टंग मिल जाएगा, ऊपर में नीमंस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी एंड ओवरऑल अपर की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है गाइस, सच बता रहा हूं। अंदर अंदर की पैडिंग वैडिंग में आपको कोई कमी नहीं फील होगी। इनसोल की पैडिंग में देखो मेमोरी फोम इसमें दिया गया है, इससे ज्यादा मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो नहीं है तो थोड़ा सा दिल दुखा यहाँ पर, बुरा नहीं है, बेस्ट हो सकता था। नीमंस की आपको यहाँ पर भी अंदर में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, EVA सोल इसमें आपको देखने को मिलता है जिसमें अगर ऐसे क्लोजली देखोगे तो फ्रंट से भी अच्छा खासा थिक है लेकिन बैक आते आते ना अच्छा खासा बड़ा थिक हो जाता है, लिटरली बाय 2 इंच जितना इसमें मोटा फोम डाला गया है बैक में। नीचे आपको पूरा हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का है, प्रॉमिसेस को रखते हैं साइड में। लुक वाइज, कंफर्ट वाइज, डिजाइन वाइज एंड प्राइस वाइज भी ना भाई जूता तगड़ा है। इसे देखो हमने 1700 रुपए के आसपास में खरीदा है, पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अगर कंपेयर भी करें ना दूसरे ब्रांड से जैसे रेड टेप, एशियन के जो भी जूते होते हैं, उस हिसाब से बहुत ज्यादा ना अलग डिजाइन है, साथ ही कंफर्ट भी उतना ही कैरी कर रही है। 100% इस जूते के लिए जा सकते हो, चुम्मा भी ले लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास में, भाई ब्रांड का नाम है बागा ब्रोकी, इसकी सोच है ऊंची, देखते हैं कि कैसे निकलती है। कुची कुची ग्रीन कलर का बॉक्स देखने को मिल जाएगा, फ्रेंड में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 3499 और ये रिव्यू है, कोई रैप नहीं। ऑलराइट भाई, क्या जूता लग रहा है, आई कांट बिलीव ना कि बागा ब्रोकी का ये जूता है। और अगर वेट की बात करें ना भाई, काफी ज्यादा हल्का लाइट वेट है। मोस्टली आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये एक हाई टॉप स्नीकर है, तो जिन लोगों को भी हाई टॉप स्नीकर पसंद है ये आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। मेजरली इसमें आपको 2 कलर देखने को मिल जाएंगे, बेज कलर है और ऑफ व्हाइट कलर है, काफी किलर कॉम्बिनेशन है, देखने से लगता ही नहीं है ना भाई कि ये बागा ब्रोकी का जूता, ऐसा लगता है कि कोई एक्सपेंसिव बड़े ब्रांड से हमने खरीदा है। फ्रंट में आपको पूरा सिंथेटिक लेदर का काम देखने को मिल जाएगा, बॉक्स के ऊपर में बहुत सारे आपको होल्स देखने को मिल जाएंगे। अब ये एग्जैक्टली वेंटिलेशन के लिए काम आता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन डिजाइन वाइज ना काफी खूबसूरत लगता है। लेस होल्स के साइड में भी आपको लेदर के पैचेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी मेटल का आईलेट नहीं मिलता, बड़ा सा आपको टंग मिलता है। टंग के ऊपर में देखोगे तो बागा ब्रोकी की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एक छोटा सा पुल टैप देखने को मिल जाएगा और अपर का जो पूरा पार्ट है वो आपको पूरा निटेड फैब्रिक का देखने को मिलता है और यही निटेड फैब्रिक इसके पूरे बैग में यूज किया गया है। साथ ही इसमें ना छोटे छोटे बम्प्स जैसे क्रिएट किए गए, जैसे साइकिल इस पे चलोगे कैसे वैसा वाला आवाज निकलेगा, ठीक वैसे ही फैब्रिक यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बड़ा सा आपको राउंड पैच देखने को मिलेगा जहाँ पर बागा ब्रोकी की ब्रांडिंग मिल जाएगी। जिसने भी डिजाइन किया भाई, बहुत अच्छी डिजाइनिंग है। अंदर अंदर की पैडिंग वैडिंग भी आपको हल्की हल्की मिलेगी, काफी अच्छी मिलेगी और इनसोल में बस ये जूता मार खा जाता है क्योंकि एक तो बहुत पतला सा मरियल सा ऑरेंज कलर का इसमें कोई मेमोरी फोम टाइप मिलता है। इनसोल की क्वालिटी तो डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते थे। बैक में आपको एक फुल टैप मिल जाएगा डार्क ब्राउन कलर का। आउटर सोल की बात करें, इसमें EVA फोम यूज किया गया है, अच्छी क्वालिटी का है, कोई भी नीचे में हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलता और नीचे में वही वाला डिजाइनिंग देखने को मिलता है। बाकी ओवरऑल जूते की बात करें ना, डिजाइन वाइज, लुक वाइज भाई किलर लग रहा है जूता। इनसोल को थोड़ा फिक्स करना चाहिए था और इतना बड़ा टंग देने के बाद भी बीच में कोई टंग सपोर्टर, टंग होल्डर नहीं है, वो भी कर देते ना मजा आ जाता। हालांकि सबसे मजेदार बात है भाई, इसकी प्राइसिंग 1600 रुपए के आसपास का जूता है, एंड डेफिनेटली अगर एक स्टाइलिश हाइट ऑफ जूता चाहिए ना इसके लिए जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ गया हमारे पास, ब्रांड का नाम है भाई कैंपस। बहुत दिनों बाद कैंपस का एक जूता अनबॉक्स कर रहा हूं, लेकिन ये जूता आपका दिमाग ला देगा। बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है, प्राइसिंग यहां पर लिखी हुई है 2499। रिस्पेक्टफुली बहुत अच्छी प्राइसिंग लिखी, लेकिन आपको पेन करना है, मैं आपका झोला भी मिलता है। हेलो, ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस, क्या खूबसूरत लग रहा है जूता।
इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ भी हुई है उसको सुनकर जाना। फर्स्टली अगर जूते की बात करें, कलर बहुत ज्यादा खूबसूरत पॉलर ब्लू कलर इसमें पूरा यूज हुआ है। पूरी बॉडी आपको मेश की देखने को मिल जाएगी, रबर कोटिंग साइड साइड में की गई, उसी से थोड़ी डिजाइनिंग भी देखने को मिल जाएगी। ठीक उसके ऊपर आपको कैंपस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है जो कि ठीक यहाँ पर है, और उस नेटेड फैब्रिक के अंदर में ना एक रेड कलर की भी ना स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेगी। बैक में आपको एक पुल टैप देखने को मिल जाएगा, टंग पूरा इसका मेश का बना हुआ है, अच्छा है, चौड़ा है। ऊपर में आपको पुल टैप भी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो डिजाइनिंग है ना वो अलग ही लेवल की है भाई। यू शेप में आपको सिंथेटिक लेदर का पैच देखने को मिलेगा, जिसमें बड़ी अमेजिंग तरह से ना इस पैच को लगाया गया, बीरोल के थ्रू अभी देख पा रहे होंगे। कैंपस की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और ऊपर में एक पैच आपको देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है कैंपस रिफ्लेक्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, इसकी जो पूरी बॉडी है ना इसमें बहुत छोटे छोटे ना आई डोंट नो क्या मटेरियल डाले गए, लेकिन जब इस पे लाइट सोर्स आता है तो बहुत खूबसूरत एक डायमंड की तरह ना हल्का हल्का रिफ्लेक्ट करता है, वो एकदम जंगली चिगी विगी जैसी फीलिंग नहीं देगा आपको, हल्का हल्का शाइन करता है, बहुत खूबसूरत लगता है। बैक में आपको पूरी पैडिंग वैडिंग देखने को मिल जाएगी, इंसोल की पैडिंग में आपको एडवांस फोम यहाँ पर लिखा हुआ है, बेसिकली मेमोरी फोम ही है, लेकिन एक एडवांस वर्जन उसका समझ लो, अच्छी क्वालिटी का इंसोल मिलता है, ट्रस्ट कर सकते हो। बैक में आपको एक पुल्टा मिल जाएगा बड़ा सा, आपको एक और पैच मिलेगा, कैंपस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके मिड सोल की बात करें, काफी अच्छी सॉफ्ट कुशनिंग के साथ ये मिड सोल आता है, डेफिनेटली आपको छू कर टच कर दबा कर चल कर दौड़ कर भाग कर मजा आने वाला है। देखो ये ऑनेस्ट रिव्यू ना बस ऐसे नहीं आती, इन सारी जूतों का हमें खरीदना पड़ता है, अच्छे से चेक करना पड़ता है, उसके बाद आपको बताते हैं, तब जाकर ये ऑनेस्ट रिव्यू निकलती है जिसमें हमारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। इतने अमेजिंग एफर्ट को ना बस एक लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। नीचे आपको पूरा रबर सोल देखने को मिल जाएगा, लिखा हो भाई टायर टेक, मतलब टायर जैसी थोड़ी सी डिजाइनिंग है, एंटी स्किड, कैंपस की ब्रांडिंग, स्किड नहीं करेगा यार, इतना तो इंप्रूव कर चुकी है कंपनी। लेकिन इसमें एक ऐसा फीचर है ना जो मैंने आज तक किसी जूते में नहीं देखा, कि जूते के बैक में आपको एक लिटरली स्विच देखने को मिलता है, जिस स्विच को अगर आप ऐसे करके सरका कर मूव करोगे, यहाँ पर इनका एक वेंटिलेशन सिस्टम ऑन हो जाता है। अब ये कितना वर्क करता है इसके बारे में ब्रांड ने कुछ नहीं बोला, साथ ही मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाया इसे, क्योंकि हमने इसे 9 नंबर मंगाया था, उन्होंने 6 नंबर भेज दिया। उल्टा रोटेशन में देखते हो क्या भरने वाला है, और ये इस टेक्नोलॉजी को लेकर इतना सीरियस है कि लिटरली इन्होंने साथ में 2 अलग से नोब्स भी दिए हैं, अगर इनकेस ये नोब निकल जाता है, खराब हो जाता है। तो अगर इन प्रैक्टिकल वे में बात करें ना, तो ये उतना फंक्शनल नहीं है, बस एक समझ लो कि मस्त से दही वड़ा के ऊपर में ना वो धनिया पत्ता का काम करेगा, हो तो भी अच्छा, ना हो तो भी अच्छा। बाकी पहन के कोई दूसरा 6 नंबर वाला बंदा कैसा लग रहा है, वो सारी चीज आप पीछे देख लो। डेफिनेटली कैंपस है, आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज, ओवरऑल कलर वाइज या मटेरियल वाइज ना प्रीमियमनेस फील होगा, और इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी प्रीमियम है, 2200 रुपए के आसपास की। जाना चाहो भाई हंस के जा सकते हो, काफी तगड़ा जूता है, बस वो छेद पे भरोसा मत करना। ऑलराइट, नेक्स्ट जूता आ हमारे पास में, बहुत दिनों बाद वापस है, स्पार्क भी आ रहा है, लेकिन इसके बाद हम अनबॉक्स करने वाले भाई रेड टेप, तो उसके लिए वेट करना, खतरनाक जूता है। इसकी प्राइसिंग यहाँ पर 1399 रुपए, और ये जूता ना एक बहुत तगड़ा बजट फ्रेंडली जूता हो सकता है। जस्ट लुक एट दिस, देखो बहुत ज्यादा ना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस जूते में। पूरी बॉडी आपको कैनवस मटेरियल की देखने को मिल जाएगी, समझ लो कि कपड़ा जैसा यूज हुआ वही मटेरियल, जो बहुत स्ट्रॉन्ग किसी किसी बैग्स में यूज होता है। एक बार मैं कहूँ फाड़ते फाड़ते थक जाओगे। आउटर साइड में आपको स्पार्क्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, 2 कलर मेजरली इसमें यूज हुआ है, ब्लैक एंड ग्रे, लेकिन वो ब्लैक उतना ब्लैक नहीं दिखेगा क्योंकि ये टेक्सटाइल फैब्रिक के ऊपर है। मेटल के इसमें आईलेट्स देखने को मिल जाते हैं, नॉर्मल सा कॉटन का आपको लेस देखने को मिल जाएगा, टंग भी आपको पूरा कैनवस मटेरियल का देखने को मिल जाएगा, स्पार्क की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, साइड साइड की पैडिंग वैडिंग हल्की है, अच्छी है। इंसोल की पैडिंग भाई इसमें खतरनाक लेवल में की गई है, मतलब आउटर साइड से ये जितना व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना उतना इसमें इंसोल है। आगे सीधा नीचे आपको हार्ड रबर ग्रिप देखने को मिल जाएगा, इसमें बहुत तगड़ी खूबसूरत स्पार्क की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि चलते वक्त दौड़ते वक्त भाई बहुत कूल लगती है। मड प्रोटेक्शन के लिए फ्रंट में आपको एक और अलग से पैच देखने को मिलता है ब्लैक कलर का, और बैक में आपको रबर पैच के ऊपर स्पार्क की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, पुल टैप देखने को मिल जाएगा। एंड पर्सनली बताऊं ना, इस जूते को मैंने अपने पुराने समय में यूज कर रखा है, काफी तगड़ा वेल बिल्ड रगड़ जूता, आप इसे समझ सकते हो, बेसिकली एक स्नीकर है, लो टॉप स्नीकर है। अगर एक ऐसा स्नीकर चाहिए ना, इसको रगड़ रगड़ के घस घस कर भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी नहीं टूटेगा, टूटेगा बस आपका दिल, और आपकी मम्मी खुश होगी कि वाह बेटा क्या जूता लिया है, खराब ही नहीं हो रहा है। तो आप ये डेफिनेटली जूते के लिए जा सकते हो, और इसके लिए आपको अभी पे करने पड़ेंगे 1209 रुपए। ये ओवर द टाइम थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया है, मतलब आज से 2-3 साल पहले ना ये 800-900 रुपए के आसपास में आता था, लेकिन डेफिनेटली क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा रेड टेप का स्टार ऑफ द शो आ गया हमारे पास में। देखो रेड टेप की हम लगातार होल डालते हैं, अगर आपको नहीं पता चैनल में जाकर देख सकते हो। प्राइसिंग बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइसिंग आप लिखी हुई अन्ना सन्ना, आपको पता है 5899 पे। पहला ना पड़ा निकालते और जूते को
भाई क्या बवाल कर रही है, भाई क्या बवाल कर रही है, जस्ट लुक एट दिस, भाई क्या लग रहा है जूता, पूरा व्हाइट कलर का जूता है, इसके मल्टीपल कलर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, हमने पर्सनली व्हाइट लिया है क्योंकि व्हाइट मुझे पसंद है, पूरी बॉडी आपको सिंथेटिक लेदर की देखने को मिलेगी, मल्टीपल पैचेस में डिजाइन इसे किया गया है, बहुत अलग टाइप ऑफ टेक्सचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे इसके मटेरियल में, कहीं पे क्रैक्स है, कहीं पे स्मूथ है, कहीं पे थोड़ा स्वेट जैसा काम किया गया है, कहीं पे थोड़े से टेक्सटाइल फैब्रिक्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, वेंटिलेशन के लिए बहुत सारे यहाँ आपको छेद देखने को मिल जाएंगे, काफी खूबसूरत ओवरऑल जूता बनाया गया है, एंड डेफिनेटली लुक वाइज ना आप अप्रिशिएट करोगे कि भाई रेड टेप क्या अच्छा काम कर रही है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड और ये हमारी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस की ना खासियत होती है, बड़ा सा आपको इसमें टंग देखने को मिल जाएगा, वेल पैडेड है, रेड टेप की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, टंग होल्डर देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर का लेस मिलता है, मेटल के आलेट्स मिलते हैं, नीचे की तरफ आपको एक बड़ा सा क्लिप देखने को मिलेगा जहां पर रेड टेप की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, आउटर सोल की बात करें तो यहां पर आपको पूरा फोम का आउटर सोल मिलता है, लुक्स लाइक अ रबर सोल लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन ग्रिप के मामले में ना काफी तगड़ा है, नीचे आपको कोई हार्ड रबर ग्रिप नहीं मिलेगा, रेड टेप की आपको बड़ी बड़ी ब्रांडिंग मिल जाएगी, साइड साइड की पैडिंग अच्छी है, इनसोल की पैडिंग में भाई बवाल है, देखो ये रैप करने पे मैं इसलिए मजबूर होता हूँ ना क्योंकि खुशी इतनी होती है जब एक इंडियन ब्रांड को ऐसे जूते बनाते देखता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने का, लेकिन जो भी ब्रांड अच्छा करेगी वो स्ट्रेटली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस इफ योर प्रोडक्ट इज गुड इनफ, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार है, ओवरऑल लुक वाइज क्वालिटी वाइज भाई एकदम चुम्मा प्रोडक्ट है, जाना चाहो जल्दी जाना क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इनके प्रोडक्ट ना इतनी जल्दी वॉश आउट हो रहे हैं कि मैं सजेस्ट करता हूँ वीडियो बनती है तब तक कुछ ही दिनों तक फिर टिक पाता है, बाकी अगर आपको रेड टेप की पूरी हॉल देखनी है मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, हमारी रिसेंट वीडियो यहाँ पर है, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी है मेक श्योर की वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।